गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक किटी बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत क्यूट किटी है, स्पेशली फॉर गर्ल्स है ये। गर्ल्स को किटी बहुत पसंद होती है। सो आइए। गाइस, हमें इसे बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस हमें क्रॉस 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 करते रहना है। जैसे हमने नीचे वाले नेट के ब्लॉक को लेफ्ट साइड में डाला है, तो आपको ऊपर वाले ब्लॉक के राइट साइड में डालना है। और फिर जब हम राइट साइड में जैसे डालेंगे, तो फिर हमको राइट साइड के नीचे एक ब्लॉक होगा, उससे उसके अपोजिट साइड में डालना है। मतलब हमें लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट करना है। ये सब ने ऐसे नहीं करना है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। जैसे मैंने अभी एक पिन डाल रही हूँ, इसको मैंने अब राइट टू लेफ्ट डाल रही हूँ। ये मैंने राइट टू लेफ्ट डाल दिया है इसे। अब मैं लेफ़्ट टू राइट डालूँगी। मतलब हमें बस क्रिस क्रॉस करते जाना है, बाकी सबका वही है। सब में हमें वही करना है। राउंड के लिए भी, अगर यहाँ पे राउंड कुछ आ गया तो आपको वैसे ही मतलब थोड़ा सा हल्का सा मोड़ के क्रिस क्रॉस करते जाना है। कुछ नहीं है, बहुत इजी ड्राइंग है, आर्ट है, मींस कोई मेहनत नहीं लगेगी। मतलब मेहनत लगेगी अगर आप पूरा भरेंगे तो। मैंने सिर्फ आउटलाइन करी है क्योंकि इसमें बहुत दिन लगते हैं इसलिए। अब जैसे कि हमें इस ब्लॉक को करना है, इस पूरी इसको पिंक कलर से करना है, तो मैं करूँगी पहले यहाँ से डालूँगी इसको, ये यहाँ से उसके बाजू वाले से निकाल दूँगी, वहाँ से निकाल दूँगी यहाँ से, फिर इस पे अपर अपोजिट में डालूँगी, फिर यहाँ से निकाल के यहाँ पे डालूँगी। मतलब ये क्रिस क्रॉस पूरा चेन टाइप की चलेगी ऐसा पूरे में। जब सर्कल में भी वही करना पड़ेगा, वहाँ अपलाएंगे पूरे तक करेंगे, फिर उसके बाद राउंड से पूरा मतलब ऐसे क्रिस क्रॉस करते रहेंगे। इसमें पूरे में हमें बस यही करना रहता है। ये जैसे मैंने ये कर लिया पूरा, अब हम इसको अब इसका बो करेंगे। बो में हम रेड कलर करेंगे और ये ब्लैक कलर करेंगे इसकी बॉडी पे। इधर भी हम रेड करेंगे, इधर भी रेड करेंगे, इधर ब्लैक करेंगे और इसकी आईज में ब्लैक करेंगे और इसके माउथ में येलो करेंगे। ये पूरी लाइन ब्लैक होगी, आप इसमें अगर आपको अगर भरना हो तो आप ब्लैक कलर का नेट भी आता है मार्केट में, ब्लैक कलर का ले सकते हैं नेट, और इसके अंदर भी आप भर सकते हैं। मैं नहीं भरूँगी क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत सारे दिन लगेंगे। मतलब मेरे को तो वैसे भी 3-4 दिन लगे पूरा भरने में। तो गाइस, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि शुरू शुरू में जब आप करेंगे तो आपको बहुत गंदा लगेगा कि ये बहुत अच्छा नहीं बना है, बहुत गंदा बना है। तो मेरे को कहना है कि जब आप करते रहेंगे तो वो ठीक लगने लगेगा जब पूरा बन जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बो को करेंगे, इसको बस फिल करूँगी, बाकी किसी चीज़ को फिल नहीं करना है। सिर्फ ये वाला फिल करूँगी और बो का वो फिल करूँगी। इसमें हमें ऐसे क्रिस क्रॉस करना है, क्रिस क्रॉस करना है पूरे में भरने में। इतने से सुबह भरने में मेरे को इतना टाइम लग गया, बता रही हूँ। इसको इस वाले में डालना है, इसको इस वाले में, इसको इस वाले में, इसको इस वाले में करके पूरा हमें भर दे रहे हैं। तो ये हमारा तैयार हो जाएगा। अब हम इसे भरते हैं। पहले वो को हमने भर दिया वो को, और अब हम ब्लैक आउट लाइनिंग स्टार्ट करेंगे इसकी। हम पहले इसको करेंगे पूरा, फिर इसको करके मैं इसमें ब्लैक में से डालूँगी, फिर इसके अपोजिट ब्लैक वाले से निकाल के इसमें डालूँगी, फिर इससे निकाल के इसमें डालूँगी, फिर इसमें नीचे से तेल के इससे डालूँगी, उसमें डालूँगी इसके अपर वाले में। मतलब ये एक फिर इसमें इस साइड से ये डायमंड शेप बन जाएगा,
पाठ्यक्रम को पूरा करना है। अगर आपका अध्यापक खत्म हो जाए तो कुछ नहीं, आप नॉट मांग सकते हैं उसमें।